से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके हैं जटोली मंदिर देखने के लिए, और अंदर से आपको ये पूरा का पूरा मंदिर दिखाएंगे। सो बने रहे वीडियो के एंड तक। बहुत ही गजब और बहुत ही सुंदर एंट्रेंस, इसके क्या क्या ऑप्शन है, एक बार टॉप देख लो एक बार। सो एंट्री तो बहुत ही प्यारी एंट्री है, और लग रहा है कि बनाई जाएंगी। सो देखते हैं आगे क्या। थोड़ा इस साइड से देखो मंदिर को, कितना प्यारा व्यू है, और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है कि मजा ही आ गया यहाँ पे पहुंच के। सो चलते हैं अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं और भी। एंट्री कर चुके हैं शुरू, और देखिए कितना प्यारा, मतलब जो वे बनाया हुआ है, जो अंदर जाने का रास्ता है, बहुत खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। पहुंच चुके हैं अंदर भाई, कितने प्यारे। अभी आपको दिखाएंगे जो मेन, एक बार आप देखो इस साइड से, एक बार भी दिखा दो। इतनी बढ़िया कंस्ट्रक्शन और इतना बढ़िया। सो जितना भी हमने आपको व्यू अभी दिखा दिया है, तो इसके बाद जो अंदर मेन जो एंट्रेंस है, इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है। सो मैं और आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी बार बार से व्यू आपको सबको दिखा देता हूँ। प्यारे से और बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम जो रास्ते में आएगा वो आपको दिखाते रहेंगे, तो चलो साथ में। हम पहुंच चुके हैं मोहन हेरिटेज पार्क, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नायाब अद्भुत मंदिर आपको दिखाने के लिए आए हैं। सो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको इतना भव्य मंदिर। सो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन जो आपको दिखा रहा हूँ, ये अंदर जाने का मेन जो वे है, यहाँ से जाना है अंदर। तो पहुंच चुके हैं हेरिटेज पार्क, इतनी बढ़िया लोकेशन यार, मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। एक बार व्यू दिखाओ इस साइड से, वाओ। 16 किलोमीटर की दूरी पर है, सोलन से ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप सोलन जब भी आओगे, जब भी आपको सोलन आना होगा, एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, आपका मन बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हो जाएगा। बहुत के सामने व्यू देखिए एक बार। एंट्रेंस को देख के मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे मैं इंद्रदेव के दरबार के अंदर जा रहा हूँ, और वहां पे जाके मेरे जितने भी पाप और पुण्य के जितना भी लेखा जोगा उसका भी सारा वाच होगा। यहाँ ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण, कितने कौन कौन से यहाँ ब्राह्मण, कौन कौन से जो और जाति के लोग जो ब्राह्मण बने हैं, तो उनकी सारी की सारी इन्होंने डिटेल यहाँ पे दिखाई हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाबी ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण और भी हैं यहाँ पे। सो एक बार इनको भी जरूर व्यू करें। उड़िया पंडित, तो सारी कैटेगरी ब्राह्मण की अलग अलग। पहली बार लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने रुद्राक्ष का पेड़ देखा है। रुद्राक्ष का पेड़,
बहुत ही प्यारे से एक और लोकेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई।